पर्ल में इफ और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे, पर्ल में इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं उबंटु लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2 का उपयोग कर रहा हूँ। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा। आप अपनी पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। पर्ल में फॉर, फॉर ईच, व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा। कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल निम्न कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रदान करता है: इफ, इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स और स्विच। इस ट्यूटोरियल में हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे। पर्ल में इफ स्टेटमेंट का उपयोग कोड के भाग को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है जब विशिष्ट कंडीशन संतुष्ट होती है। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स निम्न है: इफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट। एंटर दबाएं। कोड का भाग सेमीकोलन निष्पादित होता है जब कंडीशन ट्रू है। एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड निष्पादित होगा केवल जब कंडीशन ट्रू होती है। अब इफ स्टेटमेंट का एक उदाहरण देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit conditionalblocks.pl स्पेस ampersand और एंटर दबाएं। यह gedit में conditionalblocks.pl फाइल खोलेगा। कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हमने इफ के लिए कंडीशन निर्दिष्ट की है जो वेरिएबल काउंट की वैल्यू को चेक करता है। इक्वल टू चिन्ह देखें। यह कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंडीशन डॉलर काउंट इक्वल टू फाइव वेरिएबल काउंट की वैल्यू के लिए फिर से चेक होती है। जब यह फाइव के बराबर होता है इफ ब्लॉक के अंदर का कोड निष्पादित होगा। अब फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं, फिर टर्मिनल पर जाएं। सुनिश्चित कर लें कि आप उस डायरेक्टरी में हैं जिसमें आपने अपनी फाइल सेव की है। किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें: पर्ल हाइफन सी कंडीशनल ब्लॉक्स डॉट पी एल और एंटर दबाएं। निम्न लाइन टर्मिनल विंडो पर प्रदर्शित होगी: conditionalblocks.pl सिंटैक्स ओके। जैसे कि वहां कोई कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, हम पर्ल conditionalblocks.pl को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा: आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट। gedit पर वापस जाएं। वैकल्पिक रूप से हम ऊपर लिखी इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं: प्रिंट स्पेस डबल कोट्स आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स स्पेस इफ ओपन ब्रैकेट डॉलर काउंट स्पेस इक्वल टू स्पेस फाइव क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। यह स्टेटमेंट उपयोगित है जब यूजर कोड के एक भाग को निष्पादित करना चाहता है जब कंडीशन ट्रू होती है और कोड के दूसरे भाग को जब कंडीशन फॉल्स होती है। इफ एल्स कंडीशन के लिए सिंटैक्स निम्न है: इफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं। कोड का भाग सेमीकोलन निष्पादित होगा जब इफ कंडीशन ट्रू होती है। एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस एल्स स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं। कोड का दूसरा भाग सेमीकोलन निष्पादित होगा जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है। एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अब फिर से conditionalblocks.pl फाइल पर जाएं जिसे हमने gedit में पहले ही बनाया है। काउंट वेरिएबल को 4 निर्दिष्ट करें
फिर इफ ब्लॉक के अंत में स्पेस टाइप करें एल्स स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं प्रिंट स्पेस डबल कोट्स आई एम इनसाइड एल्स स्टेटमेंट स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकोलन एंटर दबाएं और क्लोज कर्ली ब्रैकेट। यहां फोर वेरिएबल डॉलर काउंट के लिए निर्दिष्ट है। काउंट वेरिएबल के वैल्यू की तरह 5 मेल नहीं खाता है। इफ ब्लॉक के अंदर का कोड निष्पादित नहीं होगा। इसके बजाय एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा कोड निष्पादित होगा। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें perl-c conditionalblocks.pl। किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए अब एंटर दबाएं। निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी conditionalblocks.pl सिंटैक्स ओके। जैसे कि यहां कोई कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, अब हम पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे। टाइप करें perl conditionalblocks.pl और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा आई एम इनसाइड एल्स स्टेटमेंट। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैंपल प्रोग्राम्स का उपयोग करके पर्ल में इफ और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यहां आपके लिए नियत कार्य है। प्रिंट करें इट इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। जब पर्ल के रूप में वेरिएबल वैल्यू घोषित होता है, अन्यथा प्रिंट करें इट्स अ प्रोप्राइटरी लैंग्वेज। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यशवराव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।